आखिर कौन है ये राजस्थान में रहने वाले रहस्यमय लोग, जिनका काम न सिर्फ सांपों को पकड़ना है बल्कि वे इन विषैले नागों को टोकरी में बंद करके लोगों को दिखाते भी हैं। आखिर इन लोगों का उत्पत्ति कहां से हुई, इनका धर्म क्या है और इस जनजाति के लोगों को कोबरा जिप्सी या काल बेलिया क्यों कहा जाता है? आखिर क्या वजह है कि अब इस जनजाति का परंपरागत नृत्य शैली पूरे विश्व भर में विख्यात हो गया है? मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। कालबेलिया दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और बेलिया। काल का अर्थ स्वयं महाकाल है और बेलिया अर्थात उनका नंदी बैल। महाकाल के सम्मान हेतु कालबेलिया कानों में कुंडल, भुजाओं में रुद्राक्ष और भगवे वस्त्र धारण करते हैं, जो कि भगवान शिव का स्वरूप है। सांप महादेव का परम भक्त है, इसलिए कालबेलिया सांपों का पालन पोषण करते हैं और सर्प दंश का उपचार भी करते हैं। कालबेलिया को सपेरा नाम से भी जाना जाता है। जिस सांप से दुनिया खौफ खाती है उसे कालबेलिया अपनी बीन पे नचाते हैं और इसी कारण इन्हें कोबरा जिप्सी भी कहा जाता है। आधुनिक चक्की के पहियों का निर्माण, जिसे पहले घरठी कहा जाता था, उसका सर्वप्रथम निर्माण इसी समाज में किया गया था। सांपों और जहरीले कीड़ों के उपचार हेतु सर्वप्रथम प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण भी इस समाज की सबसे बड़ी देन है। कालबेलिया समाज अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध है। भूखों नंगों को भोजन और कपड़ा देना इस समाज की खासियत है। कालबेलिया समाज के व्यक्ति एक झुंड में रहते हैं, जिसे कबीला कहते हैं। कबीले के सभी सदस्य एक दूसरे का बहुत मान सम्मान करते हैं। कबीले के मुखिया को सरदार कहा जाता है, जो इस पूरे समूह को एकता और अनुशासन में रखता है। ये लोग वन्य जीवों एवं प्रकृति को अपनी धरोहर मानते हुए पूजा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबीले के रूप में संगठित रहने के कारण सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं और किसी भी तरह के विकार से दूर रहते हैं। साथ ही ये लोग हर खुशी और गम को मिलकर उत्साह से एक उत्सव की तरह मनाते हैं। प्राचीन युग में यह जनजाति एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी। इनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार और सर्प दंश का उपचार करना है। इसी कारण इस लोक नृत्य का स्वरूप और इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परिधान में सांपों से जुड़ी चीजें झलकती हैं। इन्हें सपेरा, जोगी या जागी भी कहा जाता है। यह अपने उत्पत्ति को गुरु गोरखनाथ के 12वीं सदी के शिष्य कालमप्री से जोड़कर मानते हैं। कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है और इसके बाद क्रमशः अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का स्थान आता है। ये एक खानाबदोश जीवन बिताते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। परंपरागत रूप से कालबेलिया पुरुष बेंत से बनी टोकरी में नाक को बंद कर घर घर घुमाते थे और उनकी महिलाएं नाच गाकर भीख मांगती थी। यह सांप का बहुत आदर करते हैं और उसकी हत्या को निषिद्ध मानते और बताते भी हैं। गांव में अगर किसी घर में नाग या सांप निकलता है तो कालबेलिया को बुलाया जाता है और वे बिना उसे मारे पकड़ कर ले जाते हैं। आमतौर पर कालबेलिया लोग समाज से कटे कटे रहते हैं और इनके अस्थायी आवास, जिन्हें डेरा कहा जाता है, अक्सर गांव के बाहरी हिस्से में बसे होते हैं। कालबेलिया अपने डेरा को एक वृत्ताकार पथ पर बने गांव में बारी बारी से लगाते रहते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इस क्रम के कारण इन्हें स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं की खासी जानकारी हो जाती है। इसी ज्ञान के आधार पर वे कई तरह की बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के भी जानकार हो जाते हैं, जो उनकी आमदनी का एक और वैकल्पिक जरिया हो जाता है। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद से कोबरा जिप्सी सांप पकड़ने के अपने परंपरागत पेशे से वंचित हो गए हैं। वर्तमान में कला प्रदर्शन उनकी आमदनी का प्रमुख साधन हो गया है और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है। फिर भी इसके प्रदर्शन के अवसर अत्यंत सीमित हैं और समुदाय के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते, अतः इनकी आबादी का एक बड़ा भाग
खेतों में काम करके और पशुपालन द्वारा आजीविका कमाता है। किसी भी खुशहाली के मौके पर किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह नृत्य और इससे जुड़े गीत इनके जनजाति के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इसमें प्रमुख नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, जो काले घाघरे पहनकर सांप के गतिविधियों की नकल करते हुए नाचती और चक्कर मारती हैं। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखा कहलाता है। सिर को ऊपर से ओढ़नी द्वारा ढका जाता है और निचले भाग में एक लहंगा पहना जाता है। यह सभी वस्त्र काले और लाल रंग के संयोजन से बने होते हैं और इन पर इस तरह की कसीदाकारी होती है कि जब नर्तक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो यह दर्शकों के आंखों के साथ साथ पूरे परिवेश को एक शांतिदायक अनुभव प्रदान करते हैं। नर्तकों के शरीर पर परंपरागत गुदना बना होता है और वे चांदी के गहनों तथा छोटे छोटे शीशों और चांदी के धागों की मीनाकारी वाले परिधान पहनती हैं। प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है धुन तेज होती जाती है और साथ ही नर्तकों के नृत्य की थाप भी। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं और होली के अवसर पर विशेष नृत्य किया जाता है। ये गीत और नृत्य मौखिक प्रथा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और इनका न तो कोई लिखित विधान है ना कोई प्रशिक्षण नियमावली। 2010 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। सबसे प्रमुख कालबेलिया नर्तकी गुलाबो सपेरा हैं, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। हमें इस भारतीय कला और विरासत पर गर्व है और इन्हीं सब विधाओं के कारण भारत की संस्कृति अभी भी जीवंत है। तो दोस्तों, यह था कालबेलिया नृत्य का एक वृतांत। हमारे इस देश में एक से बढ़कर एक जनजाति रहते हैं जो अपने विरासतों को संरक्षित रखे हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। उसी में से एक है कोबरा जिप्सी, जिन्हें कालबेलिया भी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव।